tú quieras. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंजर एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मॉर्निंग में आप लोगों की 9 से 10 करंट अफेयर की क्लासेस चलती है और डेली इस तरह से चलती रहेगी। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, कल आप लोगों की मैराथन क्लास रहने वाली है फिजिक्स में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मॉर्निंग में आपकी 6 से लेकर स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। आप लोगों को पहले से अपडेट किया हुआ है, काफ़ी दिन से नोटिफिकेशन भी दिया है, कम्युनिटी में भी मैसेज करा हुआ है, ठीक है। आप लोगों की कल फिजिक्स की क्लास चलेगी जो कि एक मैराथन क्लास रहेगी। मैक्सिमम उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मैक्सिमम आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस पे रहेंगे। तो जल्दी से हम लोग करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं और जिसमें हम लोग अपडेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। अब तक जितनी भी अपडेटेड चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी है इसमें, तो आज भी हम लोग उसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और ये क्लास डेली आपके मॉर्निंग में अभी 9 से लेकर 10 बजे तक रहेगी, ठीक है। 9 to 10 AM तक आपकी ये क्लास रहेगी मॉर्निंग में, करंट अफेयर की क्लासेस। तो जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना, बाकी साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न क्या आपके सामने, गूगल लॉन्च द फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस इन, लेकिन ड्रोन डिलीवरी सर्विस कहाँ पे लॉन्च की गई। गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई कहाँ पे करी है, ठीक है ना। गूगल के द्वारा ये कहाँ पे शुरू की गई, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट, जापान या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो कहाँ पे की गई है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो कहाँ पे की गई, इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, डी राइट आंसर आएगा इसमें। राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी राइट आंसर आएगा इसमें। इसे मैं एक्सप्लेन भी कर लेता हूं, आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिखेगा एक्सप्लेन, ठीक है ना। इसमें क्या कही गई, वन ऑफ द मैनी कंपनीज बिलोंग टू अल्फाबेट, और अल्फाबेट क्या है, गूगल पेरेंट कंपनी है, मेड फर्स्ट डिलीवरी इन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पर है, कैनबरा के अंदर ही है, ठीक है ना। आफ्टर अप्रूविंग द ऑस्ट्रेलियन सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया हुआ भी है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, अगर मैप में पर देखोगे आप तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा आपको। मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझाया था, वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो आता आपका कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया यानी कि जिसे आपका ऑस्निया भी कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे आपका, ऑस्निया भी कहेंगे। ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी अच्छे से कि ऑस्निया आपका सबसे छोटा है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो एक चीज और भी समझाई थी मैंने आप लोगों को कि वर्ल्ड की ग्रेट बैरियर रीफ, जो मूंगे की चट्टान, जो कॉरल रॉक्स है, मूंगे की चट्टाने होती है, वो भी आपका ये समझाया था मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जस्ट मैंने आपको एक समझाया होगा यहाँ पे, पैसिफिक में एक क्या है आपका, आइसलैंड है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक आपका द्वीप है जिसका नाम क्या आपका, तस्मानिया। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जो आपका क्या है, स्ट्रेट है यानी कि जल संधि है, वो कौन सी है, ये भी समझाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन हो गया, ये तस्मानिया हो गया। कई बार पूछा जाता है आपका कि तस्मानिया पे ऑफिशियली रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से किसका अधिकार है, क्या पूछता है आपका कि तस्मानिया पे आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली रूप से किसका अधिकार है, तो तस्मानिया पे ऑस्ट्रेलिया का ही अधिकार है। साथ ही साथ यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि ये एक आपका आइलैंड है यानी कि दो लैंड मास को अलग करती है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट है, स्टेट यानी कि जल संधि, तो ये मैंने आपको बताई थी बास स्ट्रेट। ये अच्छे से समझाया था मैंने आप लोगों को कि बास स्ट्रेट जो अलग करती है आपकी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को आपस में अलग करता, ठीक है। तो ये अच्छे से समझाया हुआ पहले भी। तो बच्चों कल की क्लास के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका साइंस लगभग सभी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफ़ी पूछा भी जाता है, जिसमें कि फिजिक्स आपका ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो फिजिक्स के लिए आप लोग कल तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग रहें क्लास के अंदर, ठीक है। आपकी मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी जो कि एक मैराथन क्लास है। तो जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी रिसेंटली देखो क्वेश्चन लिखा आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने 1948 के बाद यानी कि 1948 के बाद अपनी पहली रेलवे लाइन यानी श्रीलंका में बनाने की सहायता या श्रीलंका की सहायता की है 1948 के बाद। असल श्रीलंका बोल्ड अप द न्यू रेलवे लाइन आफ्टर 1948, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया या चाइना, ठीक है कौन कर रहा है? अभी आप लोगों की सभी क्लासेस चलेगी, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्लास नहीं चल रही आईटीआई की, सभी क्लासेस चलेगी आपकी, ठीक है ना, आगे से सभी क्लासेस चलेगी, थोड़ा टाइम शेड्यूल बिजी था इस वजह से नहीं चल पा रही होगी, लेकिन सभी क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। तो इसका क्वेश्चन आपका जो आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, इसका आंसर आएगा आपका डी चाइना, डी इसमें चाइना इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, 1948 के बाद, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा हम्बन टोटा, हम्बन टोटा आपका क्या यहाँ पे एक पोर्ट है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट को क्या कर रहा है, डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, तो उसी तरह से हम्बन टोटा, इस तरह से बताया होगा मैंने आपको, हम्बन टोटा क्या है अपने आप में एक पोर्ट है जो कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, और इसे पूरा आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रूप से चाइना का अधिकार समझ लो, इस पर टोटली इस पर जो भी कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का पूरा ही अधिकार किसको दे दिया गया, श्रीलंका के द्वारा चाइना को दे दिया गया, ठीक है ना, तो हम्बन टोटा भी ध्यान रखना, ये भी आपका नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल की चलेगी आपकी पावर सिस्टम की। तो ये हम्बन टोटा जिस तरह से ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा, चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा है, हम्बन टोटा, ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर आएगा आपका डी चाइना। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, विच कंपनी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट बिलियन डॉलर गेमिंग स्टार्टअप, कौन सी कंपनी भारत में पहली बिलियन डॉलर गेमिंग स्टार्टअप बन गई है, तो वो कौन सी आपके, मैंने आपको बताया था कि आईपीएल 2019 की ऑफिशियल पार्टनर के रूप में जिसे चुना गया वो आपका कौन है, ए राइट आंसर आएगा इसमें ड्रीम इलेवन, जिस तरह से आपका वर्ल्ड कप 2019 के लिए ऑफिशियली पार्टनर के रूप में गो डैडी को चुना गया है, वहां पे कौन सा आता है आपका, गो डैडी, ठीक है ना, वहां पे गो डैडी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा आएगा आपका ड्रीम इलेवन, आईपीएल का जो ऑफिशियल पार्टनर के रूप में 2019 ऑफिशियल पार्टनर के रूप में आधिकारिक पार्टनर के रूप में कौन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ड्रीम इलेवन। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंगापुर और भारत के बीच में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, इसका एक एडिशन भारत के अंदर होगा तो दूसरा एडिशन आपका सिंगापुर के अंदर होगा, जब भी ये नाम आएगा तो आप सिंगापुर क्लिक कर लेना, जैसे कि मित्र शक्ति नाम आया तो श्रीलंका, मैत्री नाम आया तो थाईलैंड, सूर्य किरण नाम आया तो नेपाल के साथ, उसी तरह से आपका, ठीक है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी 2019, बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपका 2019, सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना, सी क्या इसमें राइट आंसर है। बच्चों यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में बताया मैंने आपका, इंडिया चाइना के बीच में बताया आप लोगों को, इंडिया और नेपाल के बीच में भी बताया, ठीक है ना, साथ ही साथ इंडिया थाईलैंड, ठीक है ना, इंडिया और थाईलैंड के बारे में बताया, साथ ही साथ इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया रसिया, अच्छे से समझ लेना, यही मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो यही याद कीजिए, इंडिया और यूएसए के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसे नाम दिया जाता है आपका युद्ध अभ्यास, उसे क्या नाम दिया जाता है, युद्ध अभ्यास, इंडिया और चाइना, सॉरी यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास, ये एक तरह के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, दो देशों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और चाइना, सॉरी यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास, इंडिया और चाइना के बीच में, जब भी आपको हैंड इन हैंड, समझ रहे हो,
had in hand. जब भी आपको ये नाम मिलेगा तो आपको चाइना ही क्लिक करना है, ठीक है ना. वहां पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, चाइना. आपसे पूछ लेगा कि एडिशन कहाँ पे हुआ, तो इस वर्ष 2019 का जो एडिशन हुआ था, ठीक है ना, सॉरी 19 का नहीं हुआ, अभी 18 में जो एडिशन हुआ था आपका, वो चाइना के अंदर हुआ था. उसी तरह से भारत और थाईलैंड के बीच में उसका नाम है आपका मैत्री. इसे क्या नाम दिया गया, मैत्री. भारत और इंडोनेशिया के बीच में उसका नाम है आपका गरुड़, ठीक है, और रशिया के बीच में इंदिरा. तो इस तरह से ये आपके डेली एडिशन होते रहते हैं, ठीक है, हर साल ये एडिशन होते रहते हैं और नाम आपका यही रहेगा. जैसे ही इंदिरा नाम आएगा तो रशिया के साथ, तो ये सारी चीजें. इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप लॉन्च ऑन 54 वैल्यूएबल डे बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान देना, 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. 9 अप्रैल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है आपका वीरता दिवस के रूप में, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो उस ऐप का नाम क्या है आपका, ठीक है ना. विनोद महावर जी, अभी एफटी रीजनिंग की क्लासेस नहीं चल पा रही है, कुछ ऑफलाइन क्लासों का शेड्यूल होने की वजह से और कुछ आउट ऑफ बजट होने की वजह से अभी ये क्लासेस नहीं चल पा रही है. जब भी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है एफटी रीजनिंग सारी क्लासेस, ठीक है. तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, बीर परिवार, ठीक है ना. इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बीर परिवार. अच्छा, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है. सभी बच्चों को ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को ऑप्शन डी. नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक बिकम द फर्स्ट इस्लामिक बैंक टू द लॉन्च बैंकिंग बाय व्हाट्सएप. यानी कि आपका पहला वह कौन सा बैंक व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक बन गया है. हाँ, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है. अब तो सब आप क्लियर है. विच बैंक बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक बैंक टू लॉन्च बैंक बाय व्हाट्सएप. यानी कि कौन सा बैंक व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक बन गया. तो ए, इसमें अमीरात इस्लामिक बैंक. अमीरात इस्लामिक बैंक इस तरह की सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया, इस्लामिक बैंक बन गया, ठीक है ना. तो राइट आंसर क्या है आपका, ए. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्टेड द इजराइल प्राइम मिनिस्टर 5th टर्म. यानी पांचवी बार ये क्या चुने गए, इजराइल के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए. ही बिलोंग द विच पार्टी. ये तो सबको पता है कि इजराइल से संबंधित है, और ये कौन से पार्टी से संबंधित है. पांचवी बार ये चुन के आए हैं, पांचवी बार राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं, तो ये कौन से पार्टी से संबंधित है आपकी, ठीक है ना. तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने रखा है. बेंजामिन नेतन्याहू इज द 5th, पांचवें आपका कार्यकाल के रूप में इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं. ये किस पार्टी से संबंधित है. तो राइट आंसर आएगा आपका लिक्विड पार्टी, ठीक है ना. ये कौन से है, लिक्विड पार्टी.
लिक्विड पार्टिशन, यानी कि सी राइट आंसर आएगा इसमें, सी इसमें है राइट आंसर आएगा आपका, लिक्विड पार्टिशन संबंधित है, ठीक है ना, सी राइट है इसमें। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मैंने आपको बताया था लोकसभा इलेक्शन से संबंधित कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव आपके 7 अलग अलग फेस में होंगे, पूरे भारत में कितने 7 चरणों में होंगे, जिसमें से पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेस में 11 अप्रैल 2019 को हो चुके हैं आपके, यानी कि कल आपके इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, ठीक है, इसी वजह से कल कोई भी क्लासेस नहीं चली थी आपकी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी कल वोटिंग थी, ठीक है। तो आपका 11 अप्रैल को पहले फेस में हो चुके हैं पूरे भारत में, यानी कि आपके टोटल 545 प्लस 2 पे इलेक्शन होने हैं। तो कल पहली बार जब इलेक्शन हुए आपके, कितने आपका क्या पूछा था, फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2019 बिगेन ऑन द अप्रैल 2019, हाउ मैनी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि कितने क्षेत्रों में आपके ये, कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा चुनाव पहले चरण में हुए, तो कितने आपके राइट आंसर क्या आएगा आपका, ए 91, समझ रहे हो, यानी कि 543 में, यानी 545 में से कितने पे हो चुके हैं आपके फर्स्ट फेस में, 91 निर्वाचन क्षेत्रों का कल वोटिंग हो चुकी है। तो इसे अच्छे से याद रख लेना, नोट भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि चुनावी आचार संहिता यानी कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू है, कब तक रहेगा, लोकसभा इलेक्शन 2019 में कितने सीटों पर होना है ये भी बताया था, और पहले चरण में यानी कि 11 अप्रैल का पहला और अंतिम जरूर याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इस तरह से, पहला और लास्ट वाला जरूर याद रखना। तो पहले चरण में आपके 91 में हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जिस तरह से हम आप लोगों ने सुना होगा आईटीआर के लिए फॉर्म 16 होता है, ठीक है ना, जीएसटी के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसी तरह से आप लोग ध्यान दें, ठीक है, एक फॉर्म क्या आपको, विच एप्लीकेशन फॉर्म नीडेड टू बी फिल्ड एनरोल एज द न्यू वोटर एंड गेट वोटर आईडी, यानी कोई अगर अभी अभी 18 वर्ष में प्रवेश करता है, 18th ईयर में एंटर करता है, तो उसे अगर कोई फॉर्म सबमिट करना है किसके लिए, वोटर आईडी के लिए, यानी कि न्यू वोटर आईडी एंड गेट, ठीक है ना, जो न्यू वोटर के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए कौन सा आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, तो कौन सा आता है आपका, फॉर्म 6, यानी कि बी राइट आंसर आएगा इसमें, वो फॉर्म 6, ये इंडियन, ठीक है ना, फॉर्म 6 यानी बी इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां पे बताया भी मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, साथ ही साथ मेंशन भी किया हुआ है, इन ऑर्डर ऑफ द वोटर इन इंडिया, वोट इन इंडिया, इन ऑर्डर टू वोट इन इंडिया वन नीड ऑफ द फील एप्लीकेशन फॉर्म 16 सबमिट द इलेक्ट्रोल, जो आपका कहाँ करना पड़ता है, आपका निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप ऑनलाइन भर सकते हैं इसे, ठीक है, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इंक्लूड द इलेक्ट्रोल रोल नंबर इन द एज वोटर, ठीक है, वन कैन बी ऑल्सो अप्लाई फॉर वोटर आई डी एंड इलेक्शन कमीशन वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के लिए, सिर्फ ध्यान देना कि फॉर्म 6 इसके लिए वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन हैज एग्रीड द एक्सटेंड ब्रेक्जिट टिल, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने जो ब्रेक्जिट का विस्तार करने के लिए किस तारीख तक सहमति बनाई है, पहले आपका 31 मार्च तक था कि 31 मार्च 2019 को क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट टिल बी विच डेट, तो इसमें राइट आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 31 मार्च 2019 तक है, लेकिन अब आपका एक्सटेंड कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है ना, 2019 तक, बी राइट आंसर आएगा इसमें,
बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डॉट्स टू प्रोवाइड इंटरनेट मोबाइल सर्विस ऑन फ्लाइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से ले, कल क्योंकि आपकी मैराथन क्लास होनी है तो टेस्ट नहीं हो पाएगा आपका कल, तो आज आपका, ठीक है, इसे अब आप लोग टेस्ट के रूप में लें। इससे पहले जितने भी 10 क्वेश्चन थे आपके, पिछले दो दिन के क्वेश्चन थे जो नए क्वेश्चन थे, अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किसी न किसी मंथ में, जनवरी, जैन, फेब और आपका मार्च के अंदर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, BSNL। BSNL को क्या दी गई ये सर्विस, देश सेवा शुरू करने के लिए, ठीक है ना, जो फ्लाइट के अंदर क्या कराएगी आपकी, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराएगी। BSNL 2000 में आपका क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। बी इसमें राइट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु वॉन द गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टाइटल एट द खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुए थे और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं आपके अंडर 17 एथलीट ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान देना। खेलो इंडिया मूवमेंट आपका, जो आपका खेलो इंडिया क्या था गेम, 2018 में पहली बार दिल्ली के अंदर हुए थे। ध्यान दें कि 2018 में पहली बार ये आपके, ठीक है, पहली बार 2018 में और दूसरी बार पुणे के अंदर 2019 में। यहाँ पे ओवरऑल जो चैंपियन रहा था आपका हरियाणा, यहाँ पे तो कौन सा था आपका हरियाणा था, और 2019 में आपका कौन रहा, महाराष्ट्र ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी किसी एग्जाम के अंदर आया था आपका कि अंडर 17 बैडमिंटन टाइटल एट द खेलो इंडिया यूथ गेम, तो किसे किसने जीता, ये आपका बी राइट आंसर आएगा इसमें, तस्लीम मीर बी राइट आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता था और मानसी सिंह को हराकर जीता था, ठीक है ना, बी राइट आंसर आना चाहिए आपका, मानसी सिंह को इन्होंने हराया था, ठीक है ना, फाइनल में मानसी सिंह को इन्होंने फाइनल में हराया था, तो बी राइट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विद विच यूनिवर्सिटी डिड द तमिलनाडु पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट साइन, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस द, ये क्या करने के, वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल संरक्षण के लिए, अब जो आपका तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के द्वारा किसके साथ एक MOU किया गया, ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए इसमें राइट आंसर, ये मैं आप लोगों को पहले बताया होगा लेकिन इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, कॉर्नवेल, ठीक है ना, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी के साथ वाटर संरक्षण यानी कि जल संरक्षण के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, एक साइन किया गया, एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, डी राइट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच स्टेट CM लॉन्च वन फैमिली वन जॉब स्कीम इन रोजगार मेला 2019, गिव वन स्टेट गवर्नमेंट जॉब टू वन फैमिली, यानी कि ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी था कि एक परिवार को जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सरकार क्या कराएगी, ये सुनिश्चित कराएगी कि वहाँ पे किसी एक सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दिलाई दी जाए, ठीक है, वन जॉब, ठीक है ना, वन फैमिली वन जॉब स्कीम जो शुरू किया गया था आपका पवन चामलिंग। तो किसके, तो कहाँ पे आपका पवन चामलिंग अगर बताया आप लोगों को तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका, ए राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, ए इसमें राइट आंसर आएगा, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, ठीक है, सिक्किम ने शुरू किया है आपका, ऐसा क्या है स्कीम इस तहत क्या है आपका वन फैमिली वन जॉब जो योजना है इसके तहत, यानी कि वहाँ पे अगर किसी परिवार से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है यानी कोई भी अगर सरकारी सेवा में नहीं है तो उसे सरकार क्या कराएगी, वहाँ के एक फैमिली में से किसी एक सदस्य को सुनिश्चित कराएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब दे ले विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है ना, बिना किसी भी टेस्ट के, बिना, ठीक है, सिर्फ क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सिक्किम और सिक्किम के ही सीएम भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी है आपके पवन चामलिंग।
ज्योति वसु के बाद, ज्योति वसु के बाद, पहले ज्योति वसु हुआ करते थे, अब आपके पहले नंबर पर पवन चामलिंग आ चुके हैं सिक्किम में। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना, जीएसटी रेवेन्यू शॉर्ट फॉल फोर्स बाय स्टेट, राज्यों में जब जैसे कि आपका राज्यों के अंदर जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी के बाद राज्यों की रेवेन्यू कम हो चुका है, उनका राजस्व कम हो चुका है, इसके लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक कमेटी चुनी गई है, कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड किसे चुना गया है, सुशील मोदी, नरेश कुमार, विक्रम सिंह या दिनेश गुप्ता। आप लोगों को मैंने कई बार इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि ये क्या होता है आपका राज्यों में जब से आपका जीएसटी लागू हुआ तो उनका रेवेन्यू कम हो चुका है राज्यों का, तो इसके लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी चुनी गई, एक समिति बनाई गई है, तो जिसके हेड यानी कि अध्यक्ष के रूप में या चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है, तो डिप्टी सीएम बिहार, बिहार के उप मुख्यमंत्री, ए राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, सुशील मोदी, ए इसमें राइट आंसर आएगा आपका, बिहार के जो आपके क्या है उप मुख्यमंत्री यानी कि आपके डिप्टी सीएम के रूप में सुशील मोदी जी को चुना गया इसमें। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 के आपका, वो ऑनर्ड विद द 2019 जापान प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इन्हें क्षेत्र में काम करने के लिए जापान के द्वारा 2019 का जापान प्राइज के रूप में दिया गया, ठीक है ना, ये जापान का एक सिविलियन अवार्ड के रूप में है, जो कि जापान के द्वारा किसे दिया गया, सुरेश प्रभु को, मुकेश अंबानी जी को, या रतन लाल जी को, या दिनेश गुप्ता जी को, किसे दिया गया। एक अवार्ड आपका, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपका, जापान के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, एक सिविलियन अवार्ड है, वहाँ का नागरिक सम्मान है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में बायोलॉजिकल प्रोडक्शन फॉर इकोलॉजी, ठीक है, इस क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर रतन लाल जी को, डी इसमें राइट आंसर आएगा, सॉरी सी इसमें राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, डॉक्टर रतन लाल जी को, ठीक है ना, सी राइट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट सीएम लोन्स 50 करोड़ यानी 50 करोड़ फ्रॉम द वीवर स्कीम फॉर जय किसान ऋण मुक्ति योजना, जय किसान ऋण मुक्ति योजना के लिए, जय किसान ऋण मुक्ति योजना के, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि जय किसान ऋण मुक्ति योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई, आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके लिए इन्होंने कितना आपका 50,000 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ का बजट जारी करा है, ठीक है, तो ये किसानों को, जैसे कि किसानों को ऋण मुक्ति, जैसे इनकी सरकार आई यहाँ पे, तो इनके जो मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में था कि किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, तो वही है आपका, ठीक है ना, जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम दिया गया उसे, तो ए राइट आंसर आएगा इसमें, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, मणिपुर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, और मणिपुर के बारे में तो बहुत कुछ चीजें समझाई थी मैंने यहाँ पे, यहाँ के जो गवर्नर नजमा हेमतुल्ला के रूप में है, ठीक है ना, और अफस्पा के बारे में समझाया था मैंने आप लोगों को, आर्मर फोर्सेड स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा के बारे में भी समझाया था पहले। इसका राइट आंसर बी एन वीरेन, इसका राइट आंसर आएगा आपका बी एन वीरेन। मणिपुर के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, अफस्पा आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यहाँ पे इरोम शर्मिला चानू का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, इरोम शर्मिला चानू जो लगभग आपके 14 साल तक यहाँ पे किसमें रही थी, क्या इन्होंने इस मूवमेंट को, अफस्पा को हटाने के लिए ये आपका 14 वर्ष तक, लगभग आपके 14 ईयर तक, ठीक है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या थे, भूख हड़ताल पे रहे थे, ठीक है, इरोम शर्मिला चानू,
तो इनका नाम सुना होगा आप लोगों को, ठीक है, आपसपा के खिलाफ ही थे। इसमें क्या होता है, आपका आर्मर्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है, ये चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, एन वीरेन, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इन सब के आंसर आप लोगों को बिल्कुल पहले बताए गए हैं, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 के लिए, आर्किटेक्चर कैपिटल के रूप में जिसे चुना गया, साओ पालो, रियो डी जेनेरियो, सियोल या आपका मुंबई।